हेलो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्मल चार्ज। द फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन होता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन गिवन स्ट्रक्चर, मींस जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है उस एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कितना लॉस हुआ है, गेन हुआ है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का निकालने का एक सिंपल ट्रिक है, या फिर फॉर्मूला कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, मीन्स कि कितने होने चाहिए, माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं O3। ओके, तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? सिंपल, पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक साइड डबल बॉन्ड बनेगा एंड दूसरे साइड सिंगल। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें पता है कि आउटर सेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इधर हैं, टोटल 6। तो और 2 यहाँ पर हम लगा देंगे, कितने हो गए हमारे 8। ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। एंड अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो 4 हैं और 4 की और रिक्वायरमेंट है, तो 4 और हमने लगा दिए। अब इस थर्ड ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास 2 हैं, यहाँ पर 6 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो, मीन्स ब्रेक कर दो। अब नेम दे देते हैं कि इसको ए नेम दे दिया है, इसको बी नेम दे दिया है, इसको सी नेम दे दिया है। अब ए ऑक्सीजन ए की बात करें तो हमें कितने अब फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे कि फ्री स्टेट में कितने हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हैं क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो शेयर कर रहा है, तो 6। और कितने गिवन स्ट्रक्चर में हैं, मतलब कि कितने होने चाहिए? तो हमारे पास 6 होने चाहिए, लेकिन कितने गिवन स्ट्रक्चर में हैं? तो हमारे पास पूरे मिलाकर के क्या हैं, 7 हैं, तो -7 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज? -1। अगर यहीं पर हम बी वाले का फाइंड करते हैं तो बी वाले में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, कितना फ्री स्टेट में होने चाहिए? तो 6 होने चाहिए। कितना है हमारे पास? तो 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? +1। अगर यहीं पर हम सी का फाइंड करते हैं तो क्या, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हैं, जिसमें से हमको 6 की रिक्वायरमेंट भी है एंड 6 हैं भी। और तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? 0। आई होप कि आप फॉर्मल चार्ज निकालना अच्छे से समझ लिए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।